नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनू टेक। दोस्तों आज मैं आपको ये हैवेल्स का 16 वे का एमसीबी बॉक्स इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। एमसीबी बॉक्स का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, जानकारी के लिए दोस्तों मेरे साथ बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों ये एमसीबी बॉक्स है, चलिए सबसे पहले इसका मैं अनबॉक्सिंग कर देता हूँ, उसके बाद इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। ये देखिए ये एमसीबी बॉक्स है, इसको मैं उल्टा खोला हूँ। देखिए अब ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये देखिए इसका कूपन मिलता है, इलेक्ट्रीशियन के लिए होता है ये, इसमें 20 पॉइंट दिख रहा है, तो इसको मैं रख लेता हूँ अपने पास। उसके बाद ये एमसीबी बॉक्स है, फिक्स करते टाइम दोस्तों ये कवर जो है सीमेंट गार्ड कवर है ये प्लास्टिक का, इसको लगा ही रहने देना है ताकि जो है ये इसका अंदर का जो भी पार्ट है ये गंदा ना हो, इसमें जंग ना लगे। और ये जो एमसीबी बॉक्स है दोस्तों ये 16 वे का है, वो भी डबल डोर का है ये, और इसमें जो भी कनेक्टर है दोस्तों ये देखिए यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्टर दिखाई दे रहा है, इसमें पूरे घर का जितना भी सर्किट का न्यूट्रल होगा सब यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो ये जो टर्मिनल है दोस्तों ये कॉपर का होता है, काफ़ी अच्छा कॉपर होता है, इसमें जंग नहीं लगता है। बाकी और जो एमसीबी बॉक्स होता है उसमें जंग लग जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। उसके बाद ये अर्थ कनेक्टर दिखाई दे रहा है, तो ये अर्थ वाला कनेक्टर भी कॉपर का ही है। उसके बाद दोस्तों इसके नीचे ये एमसीबी को फिट करने वाला इसका लॉक दिखाई दे रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए मैं हैवेल्स को ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसका हर चीज़ काफ़ी बढ़िया होता है। इसको किनारे रखता हूँ मैं, इसका मैं कवर दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसके अंदर इसका कवर है दोस्तों, ये देखिए ये इसका कवर है। एमसीबी को इसमें फिट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे एमसीबी फिट हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में ये कवर इस तरह से इसके ऊपर टाइट हो जाएगा इस तरह से। दिखने में भी काफी अच्छा है, फिनिशिंग भी इसका बढ़िया रहता है। तो अब चलिए दोस्तों इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पाइप दिख रहा है, यहाँ पे 6 ड्रॉप डाउन है, ये जो बीम दिखाई दे रहा है दोस्तों ये छत का जो है बीम है, इसी में ड्रॉप डाउन हुआ है, यहाँ पे टोटल 6 पाइप ड्रॉप डाउन हुआ है, मेन वाला है ये। चलिए मैं करीब से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये पहला पाइप है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, उसके बाद ये पांचवा यहाँ से टूट गया है और ये छठवां है। उसके बाद दोस्तों अब ये जो है मेन बोर्ड के लिए मैं यहाँ से भेज रहा हूँ इसको। देखिए 1 2 3 4 एक पाइप ये है, 5 पाइप है, ठीक है, और एक पाइप ये है पीछे गया है दोस्तों, ये सीढ़ी का जो बल्ब होगा उसका वायरिंग करने के लिए ये पाइप दिया हूँ मैं। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल 6 पाइप ड्रॉप डाउन में है, और यहाँ से 5 पाइप मैं ले गया हूँ मेन बोर्ड में जो ये आगे जा रहा है। और यहाँ पे देखिए मैं ये 18 मॉड्यूल का एक बॉक्स इसमें फिक्स कर दिया हूँ, ये जो है बॉक्स दोस्तों ये सिर्फ जंक्शन का काम करेगा, बाद में यहाँ पे इसके ऊपर मैं प्लेट लगा दूंगा। अब देखिए ये आगे जा रहा है मेन बोर्ड के लिए, ये देखिए यहाँ पे 5 पाइप दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए इस तरह से इसको मैं वॉल कटिंग करके सेडलिंग करके ले गया हूँ। यहाँ पे देखिए ये सेडल लगा दिया हूँ मैं इसमें, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे आ रहा है, 5 पाइप है टोटल, ये देखिए। उसके बाद अब ये यहाँ से इधर आ गया, अब देखिए ये सेंटर में आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक 12 मॉड्यूल का बॉक्स दिया हूँ, वो इसलिए दिया हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे ऊपर भी ले जाना है, आगे कटिंग होगा, यहाँ पे जो सीढ़ी है उसका लाइट आएगा, उसके बाद यहीं से एक नीचे भी जाएगा दोस्तों, एक नीचे एक मुझे बल्ब देना है, उसके लिए यहाँ पे मैं छोड़ रखा हूँ, ये कटिंग हुआ है। उसके बाद अब देखिए ये आगे जा रहा है इस तरह से, देखिए वहाँ भी बैंड लग गया है, तो ये जंक्शन देने से ये भी फायदा है दोस्तों। अभी देखिए वहाँ पे एक जंक्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ से वायर स्टार्ट होगा, एक बैंड वहाँ पे हो रहा है, उसके बाद दोस्तों एक बैंड वहाँ पे हो रहा है, फिर एक बैंड यहाँ पे हो रहा है, तो टोटल 3 बैंड हो रहा है। और ऐसे में अगर मैं यहाँ पे जंक्शन ना दूँ तो वायर को खींचने में प्रॉब्लम होगा, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा वायर को खींचने में या निकालने में, इसलिए मैं यहाँ पे जंक्शन दे दिया हूँ। तो अब देखिए यहाँ से ये आगे आ गया, एक बैंड मैं यहाँ पे दिया हूँ, एक बैंड यहाँ पे दिया हूँ, इस तरह से टोटल 3 मोड़ हो रहा है और बीच में एक जंक्शन है ये देखिए। तो अब यहाँ से ये नीचे गया है 5 पाइप, ये देखिए यहाँ से मैं होल करके इसको नीचे ले लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखिए मैं एक पाइप डाला हूँ यहाँ पे, ये देखिए वहाँ पे एक बोर्ड दिया हूँ 8 मॉड्यूल का, वहाँ पे इन्वर्टर आएगा, इस घर का जो इन्वर्टर और बैटरी होगा दोस्तों वो वहीं पे इंस्टॉल होगा। यहाँ पे इस सीढ़ी के नीचे जो जगह दिखाई दे रहा है वो कवर हो जाएगा, तो वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है सीढ़ी का। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये जो जगह बच रहा है
यहाँ पे इन्वर्टर बैटरी आ जाएगा। और ये जो बॉक्स है दोस्तों यहाँ पे ये देखिए फिक्स हो रहा है अभी, तो इसको अभी फाइनल है, अभी इसको मैं कच्चा करके छोड़ा हूँ, अभी फाइनल इसमें सीमेंट लगेगा दोबारा। तो इसको जो है दोस्तों यहाँ पे दो लाइनिंग दिखेगा आपको, ये देखिए एक यहाँ पे दिख रहा है और दूसरा यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे भी है, ये देखिए एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला, उसके बाद दूसरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हल्का सा सीमेंट लगा हुआ है। तो दो लाइनिंग दिखेगा इस तरह से। तो ये जो पहला लाइनिंग है दोस्तों यहाँ तक इसको मसाला भरना है, प्लास्टर जो है यहाँ तक आना चाहिए। बाकी ये जो है दोस्तों ये 10 mm बाहर रहेगा वाल से, अगर 10 mm बाहर नहीं करेंगे तो कवर जो है दोस्तों फिट नहीं होगा। बॉक्स कवर को फिट करने के लिए किनारे किनारे जो है कट करना पड़ेगा, तब बॉक्स फिट होगा। इसलिए कभी भी किसी भी MCB बॉक्स को 10 mm बाहर रखना चाहिए। देखिए दोस्तों इसमें इस तरह से मसाला भर देना है चारों तरफ से, और इसके पीछे भी भरेंगे ताकि जो है ये बॉक्स में काफी मजबूती रहे। अच्छी तरह से भरना है इसको, इसमें सीमेंट का जो मात्रा है दोस्तों वो थोड़ा सा बढ़ा लेना है आपको, ताकि जो है ये मजबूती से पकड़ बनाए। और जो इसमें रेत है दोस्तों वो मोरंग जो रेत होता है वो लगाएंगे तो ज्यादा मजबूत रहेगा ये। अब देखिए दोस्तों ये MCB बॉक्स पूरी तरह से फिक्स हो चुका है, प्लास्टर होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, और ये जो है प्लास्टर से 10 mm बाहर है, और 10 mm बाहर ही रखा जाता है ये, ताकि जो है ये कवर को लगाने में दिक्कत ना हो। दोस्तों ये MCB बॉक्स इंस्टॉलेशन का वीडियो पूरा हुआ, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए, इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का। तो दोस्तों इसके साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।